दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास इंडिया में Redmi Note 9 Pro Max का डिवाइस है तो यहाँ पर आप लोग के लिए फाइनली MIUI 12.5.6.0 का अपडेट सभी पब्लिक यूजर के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर ये अपडेट अभी थोड़ी देर पहले रिलीज किया गया, काफी यूजर को देखने के लिए मिला है और आज सुबह भी काफी सारे यूजर को अपडेट देखने के लिए मिल चुका है। आप लोग ऊपर टाइम भी देख सकते हो। यहाँ पर मिलता है आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मार्च 22 का। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट छोटे मोटे बग्स उनको फिक्स किया गया। 340 MB की साइज मिलती है और ये अपडेट इंडिया में Redmi Note 9 Pro Max के लिए रिलीज किया गया। अगर आपके पास ये डिवाइस देखने के लिए मिलता है, अगर आप लोग को अभी तक अपडेट नहीं मिला था जाकर चेक कर लो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को ये अपडेट मिला है या फिर नहीं। क्योंकि गाइस यहां पर इस अपडेट को करने के बाद आप लोग के लिए जो नेक्स्ट अपडेट होगा MIUI 13 का अपडेट होगा, लेकिन जैसे ही अपडेट फुल्ली रोल आउट होगा उसके बाद MIUI 13 अपडेट मिलेगा। अभी जिनको नहीं मिला तो आप लोग वेट करो या फिर मैन्युअली अपडेट कर सकते हो। इसकी लिंक्स वगैरह आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यहां से आप लोग एनी टाइम जाकर मैन्युअली अपडेट कर सकते हो अगर वेट नहीं करना चाहते हो तो, या फिर वेट करो आप लोग फिर से एक दो दिन में अपडेट मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग सेटिंग में जाओ, सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाकर अभी चेक करो, शायद आपको ये अपडेट अभी देखने के लिए मिल जाए। अगर मिल जाता है तुरंत डाउनलोड करके अपडेट कर लेना। तो जिनके पास भी Redmi Note 9 Pro Max का डिवाइस है फटाफट से जाकर चेक कर लो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोग को अपडेट मिला है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल पे पिक कर दो। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।